हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस लैंग्वेज इनहेरिटेंस इन .NET। जैसे नाम से पता चल रहा है, क्रॉस लैंग्वेज इनहेरिटेंस मींस डिफरेंट प्रोग्रामिंग के कोड को यूज़ करना किसी प्रोजेक्ट में। मतलब अगर आपने C# में कोई प्रोजेक्ट बनाया था और उस C# प्रोजेक्ट का कुछ कोड आप VB के प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है इन .NET फ्रेमवर्क के अंदर। या फिर अगर आपके पास VB का प्रोजेक्ट है और VB के प्रोजेक्ट को C# के प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। बस कंडीशन ये है कि आप जो भी कोड लिखेंगे, जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो .NET फ्रेमवर्क यूज़ करके बनाएंगे। क्योंकि .NET फ्रेमवर्क के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन, जिसकी हेल्प से ये काम होता है। तो C# प्रोग्रामिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो VB के ऑब्जेक्ट को कम्युनिकेट कर सकता है, या VB प्रोग्रामिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो C# के ऑब्जेक्ट को कम्युनिकेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन। चलिए फ्रेंड्स स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है .NET क्रिएट्स मैनेज्ड कोड, कोड दैट रन्स विद इन द .NET फ्रेमवर्क। तो .NET माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क यूज़ करके जो कोड लिखे जाते हैं उनको मैनेज्ड कोड कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये पॉसिबिलिटी सिर्फ .NET फ्रेमवर्क को यूज़ करके ही, अदरवाइज़ किसी और प्रोग्रामिंग पे आप ये नहीं कर सकते। तो आपको .NET फ्रेमवर्क यूज़ करना है, .NET फ्रेमवर्क यूज़ करके ये पॉसिबल है। तो मैनेज्ड कोड वो कोड होते हैं जो हम .NET फ्रेमवर्क यूज़ करके प्रोग्राम बनाते हैं। आगे है ऑल मैनेज्ड कोड कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर मैनेज्ड कोड रिगार्डलेस ऑफ द ओरिजिनल लैंग्वेज यूज टू क्रिएट दोज कंपोनेंट्स। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि C# प्रोग्रामिंग का कोड आप VB में यूज़ कर सकते हो, VB का कोड आप C# में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये तभी पॉसिबल है जब आप .NET फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो .NET फ्रेमवर्क के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन। तो क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन की हेल्प से आप ये काम कर सकते हैं। तो क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन ऐसा क्या काम करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं और उस प्रोजेक्ट को बना के कंपाइल करते हैं तो MSIL क्रिएट होता है। तो जब MSIL क्रिएट होता है तो MSIL के अंदर CTS बनता है, कॉमन टाइप सिस्टम। देखिए C# में जो डेटा टाइप्स हैं उसमें जैसे int है तो हम int लिखते हैं। VB में जो डेटा टाइप्स हैं, अगर मुझे इंटीजर लिखना है तो मैं लिखूँगा INTEGER, कंप्लीट नेम लिखूँगा। तो कैसे पॉसिबल है कि C# में तो इंटीजर INT लिखते हैं और VB में हम इंटीजर को INTEGER लिखते हैं, तो फिर कैसे पॉसिबल है कि हम VB का कोड C# में और C# का कोड VB में यूज़ कर पाते हैं? वो इसलिए हो पाता है फ्रेंड, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट को कंपाइल करते हैं तो MSIL बनता है और MSIL में CTS बनता है, कॉमन टाइप सिस्टम। मींस चाहे आपने C# में int लिखा और VB में इंटीजर लिखा है, तो कंपाइल होने के बाद वो उनकी टाइप कॉमन हो जाती है। मींस int32 में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कॉमन टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। और MSIL में फिर ये नहीं लिखा होता है कि ये जो कंपाइल्ड कोड है ये VB का कोड है या C# का कोड है। तो अगर आपने C# में प्रोजेक्ट बनाया तो कंपाइल करके MSIL बनेगा, तो MSIL में भी CTS बनेगा, और आपने VB में प्रोजेक्ट बनाया तो VB का प्रोजेक्ट आपने कंपाइल किया है तो वो भी कंपाइल होके MSIL के अंदर CTS बनेगा। तो कंपाइल होने के बाद कोड कॉमन हो जाता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं। तो आपके सामने एक एग्जांपल है फ्रेंड, प्रोजेक्ट इन C#.NET, प्रोजेक्ट इन VB.NET, C++.NET, Python.NET। तो C#.NET का कोड हम VB.NET में यूज़ कर सकते हैं, C++.NET में यूज़ कर सकते हैं, Python.NET में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हम VB.NET का कोड C#.NET में यूज़ कर सकते हैं, C++.NET कोड C#.NET में यूज़ कर सकते हैं, Python.NET कोड C#.NET में यूज़ करते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपको प्रोजेक्ट .NET फ्रेमवर्क यूज़ करके बनाने हैं, क्योंकि .NET फ्रेमवर्क के अंदर ही कॉन्सेप्ट होता है क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन, कॉमन टाइप सिस्टम। तो कॉमन टाइप सिस्टम की हेल्प से हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग के कोड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस ट्यूटोरियल में हम सबसे पहले एक असेंबली बनाएंगे, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, जो कि विजुअल बेसिक में होगी। हमने पहले असेंबली बनाई थी, तो अगर किसी को असेंबली बनानी नहीं आती है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके हाउ टू क्रिएट असेंबली DLL, कैसे क्रिएट करते हैं ये स्टडी कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में फ्रेंड हम एक DLL बनाएंगे, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी असेंबली बनाएंगे, वो भी विजुअल बेसिक यूज़ करके। विजुअल बेसिक के असेंबली को हम C# के प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए
तो इसके लिए एग्जाम्पल आपके सामने, पहले फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट विल क्रिएट एन असेंबली इन वी बी डॉट नेट, हम वी बी में एक असेंबली बनाएंगे। तो फ्रेंड असेंबली में कैसे कोड लिखा, वी बी डॉट नेट में कोड कैसे लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना यूजिंग सिस्टम सी शार्प में, यहाँ पे लिखा रहता है इम्पोर्ट सिस्टम, फिर होता है पब्लिक क्लास, क्लास का नेम, फंक्शन, अगर मुझे वी बी एम फंक्शन बनाना तो मुझे फंक्शन कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, फंक्शन नेम ऐड, एक इंटीजर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, बाय वैल आई एज इंटीजर, ये फर्स्ट पैरामीटर है, कॉमा बाय वैल जे एज इंटीजर, ये सेकंड पैरामीटर है, आगे है एज इंटीजर, मींस ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू, रिटर्न आई प्लस जे, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू, ठीक है। फिर इसको हम बिल्ड करेंगे और यूज़ करेंगे, इस वी बी की असेंबली को हम सी शार्प के प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड, चलिए इसको प्रैक्टिकल से करते हैं। तो फ्रेंड मैंने एक प्रोजेक्ट ले रखा है कंसोल एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन का नाम है ऑनलाइन डेमो, इसके अंदर क्लास है प्रोग्राम, इसके अंदर मेन फंक्शन है। तो इस प्रोजेक्ट में हम वी बी असेंबली को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम असेंबली को क्रिएट करेंगे, अगर आपको असेंबली बनानी नहीं आती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके सीख सकते हैं। तो फ्रेंड मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर रखा है, तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, हाउ टू क्रिएट असेंबली इन वी बी विजुअल बेसिक, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में हमने पहले असेंबली बनाई थी सी शार्प में, अब हम असेंबली बनाएंगे वी बी में। तो फ्रेंड मेरी विजुअल स्टूडियो में वी बी इंस्टॉल है, अगर आपके विजुअल स्टूडियो में वी बी इंस्टॉल नहीं है तो आपको फिर से अपने विजुअल स्टूडियो के सेटअप को चलाना पड़ेगा, वहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा, मॉडिफाई करके आप इंस्टॉलेशन के टाइम पे वी बी को चेक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे, तो आपकी विजुअल स्टूडियो में वी बी आ जाएगी। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो मैंने वी बी प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट किया, ध्यान रखना है वी बी को सिलेक्ट करना है, वी बी प्रोग्रामिंग, इसमें क्लास लाइब्रेरी विद डॉट नेट फ्रेमवर्क, ठीक है फ्रेंड, क्लास लाइब्रेरी टेम्पलेट विद डॉट नेट फ्रेमवर्क सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम देंगे असेंबली इन वी बी, प्रोजेक्ट का नेम दिया फ्रेंड मैंने असेंबली इन वी बी। ओके, अब ओके पे क्लिक करते हैं, तो एक एम्प्टी प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। लीजिए फ्रेंड हमारा एम्प्टी प्रोजेक्ट तैयार है, ये प्रोजेक्ट बनेगा वी बी के अंदर, वी बी डॉट नेट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टॉपिक असेंबली इन विजुअल बेसिक, एक असेंबली बनेगी विजुअल बेसिक में। तो राइट साइड माई फ्रेंड, राइट साइड में सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में प्रोजेक्ट के नेम के आगे वी बी लिखा हुआ है, और क्लास के नेम के आगे वी बी, एक्सटेंशन क्या है वी बी, मीन्स विजुअल बेसिक, ये प्रोजेक्ट बनने वाला है विजुअल बेसिक में, मीन्स ये असेंबली बनेगी विजुअल बेसिक में। चलिए फ्रेंड असेंबली बनाते हैं, तो मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो मैं फंक्शन बना रहा हूँ पब्लिक, क्योंकि बाहर से एक्सेस करना है, फंक्शन ऐड, फंक्शन नेम है, इसमें पैरामीटर बनाएंगे बाय वैल फर्स्ट नंबर एज इंटीजर बाय वैल नंबर एज इंटीजर, दो पैरामीटर लिख लिए हमने, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, ये फंक्शन रिटर्न करेगा इंटीजर, फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर, फंक्शन एंड, हमने एक फंक्शन बनाया फ्रेंड। पब्लिक क्लास, क्लास का नेम चेंज करेंगे, क्लास का नेम चेंज कर देते हैं फ्रेंड, चलिए प्लस फंक्शन कंप्लीट कर देते हैं, पब्लिक फंक्शन ऐड बाय वैल, कि विजुअल बेसिक में फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक फंक्शन, फंक्शन कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, फंक्शन नेम बाय वैल, एक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं वीबी में, बाय वैल वेरिएबल नेम एज इंटीजर, इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है इंटीजर, ऐसे सेकंड पैरामीटर सेकंड नंबर, इसका डेटा टाइप क्या है इंटीजर, एज इंटीजर मतलब फंक्शन का रिटर्न टाइप। ओके, अब हम वैल्यू रिटर्न कराएंगे, रिटर्न फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। ओके फ्रेंड रिटर्न करा दिया हमने, दोनों का सम को रिटर्न करा दिया, क्लास का नेम चेंज करेंगे क्लास इन वी बी, क्लास का नेम मैंने चेंज कर दिया क्लास इन वी बी। तो फ्रेंड मैंने कोड लिखा है वी बी के अंदर, तो वी बी के अंदर इस तरह से कोड लिखा जाता है, क्लास बनती है, उसके अंदर फंक्शन बनता है,
ठीक है। अब चेक कर लेते हैं असेंबली बनी हुई है क्या पहले से वीबी में, क्या वीबी में असेंबली बन के आती है, नहीं फोल्डर खाली है। तो क्या करते हैं फ्रेंड, असेंबली कैसे क्रिएट होती है, जब हम प्रोजेक्ट को कंपाइल करते हैं तो उसे कंपाइल करेंगे बिल्ड सॉल्यूशन, तो हमारी असेंबली क्रिएट हो रही है, बिल्ड हो रही है, बिल्ड वन सक्सीड। अब चेक कर लेते हैं फोल्डर को, देखिए फ्रेंड असेंबली इन वीबी, हमारी डीएल बन के तैयार है वीबी के अंदर। अभी इस डीएल को हम यूज़ करेंगे कंसोल एप्लीकेशन में यहाँ पे, ओके। यूजिंग वीबी असेंबली, तो फ्रेंड वीबी में जो असेंबली उसमें क्लास का नेम क्या है, क्लास इन वीबी, इसको एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड मुझे असेंबली को ऐड करना होगा, असेंबली को ऐड करेंगे प्रोजेक्ट में, उसके बाद हम काम करेंगे। तो असेंबली को कैसे ऐड करते हैं, रेफरेंस पर जाएंगे, ऐड रेफरेंस, ऐड रेफरेंस में ब्राउज करेंगे, ये पहले कि मैं क्लियर कर देता हूँ, ब्राउज करेंगे, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, असेंबली इन वीबी ऐड करेंगे, ओके करेंगे। तो देखो फ्रेंड ये असेंबली ऐड हो गई है, हमने इस असेंबली को रेफरेंस में ऐड कर दिया है, ठीक है। अब इसको यूज़ करेंगे, यूजिंग असेंबली इन वीबी, जैसे हम यूजिंग सिस्टम लिखते हैं ऐसे में लिखना पड़ेगा यूजिंग असेंबली इन वीबी, ओके। अब इसके अंदर ये नेम स्पेस है, इसके अंदर क्लास कौन सी है, क्लास है क्लास इन वीबी, देखते हैं आता ही नहीं आता है, क्लास इन वीबी इज इक्वल टू न्यू, एक्सेस हो गया फ्रेंड। ये कहाँ से आ रहा है, देखो इसके ऊपर ये आ रहा है, इसके ऊपर जब मैंने देखिए तो इसके ऊपर जब पॉइंटर लेके गए तो इंटेलिजेंस कह रहा है ये क्लास है और किसके अंदर है, असेंबली इन वीबी के अंदर है, ओके। अब हम ऑब्जेक्ट एक्सेस करेंगे, किसी क्लास के मेथड को कैसे एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट की हेल्प से, ओबीसी डॉट, देखो फ्रेंड आगे ऐड इंटेलिजेंस ऐड दिखा रहा है, ऐड को एक्सेस करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ये क्या मांग रहा है, इंट फर्स्ट नंबर कॉमा सेकंड नंबर, डेफिनेशन एक्सेस हो गई, तो मैंने कहा 30, 20। अब मैं चेक करूंगा क्या रिटर्न कर रहा है वैल्यू, देखो फ्रेंड इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ रहा है इंट, ये इंट रिटर्न कर रहा है, तो मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट, एड रिजल्ट, ठीक है फ्रेंड, कंसोल डॉट राइट लाइन, वीबी असेंबली, ऐड रिजल्ट, कंसोल और हेडलाइन। हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया है, जो ये किस क्लास के अंदर, क्लास इन वीबी, और ये क्लास इन वीबी किस असेंबली के अंदर, असेंबली इन वीबी, और ये असेंबली किस प्रोग्रामिंग बनी हुई है, विजुअल बेसिक। तो देखते हैं फ्रेंड विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग का कोड क्या हम यूज़ कर सकते हैं सी शार्प के प्रोजेक्ट में, ये प्रोजेक्ट कौन सा है, सी शार्प का प्रोजेक्ट है, ठीक है। चलिए इसको रन करते हैं, तो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, देखते हैं वीबी का कोड सी शार्प में चलता है नहीं चलता है। प्रॉपरली वर्किंग, देखो फ्रेंड रिजल्ट आपके सामने है, वीबी असेंबली एडिशन रिजल्ट इज 50, समझ रहे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने वीबी के कोड को सी शार्प में यूज किया है और वो रन हो रहा है। कैसे रन हो रहा है, क्योंकि जब प्रोग्राम कंपाइल होता है तो MSIL बनता है, और MSIL में CTS बनता है, तो CTS क्या कर देता है, सभी प्रोग्रामिंग के डेटा टाइप्स को कॉमन कन्वर्ट कर देता है, कॉमन टाइप सिस्टम में, CTS स्टैंड्स फॉर कॉमन टाइप सिस्टम। तो जब CTS बनता है तो उसमें ये नहीं लिखा होता है कि वो डेटा टाइप
सी शार्प का है, वी बी का है, जिसकी वजह से ये पॉसिबल है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इनहेरिट करेंगे, अब हम क्लास इन वी बी को इनहेरिट करेंगे प्रोग्राम क्लास के अंदर। ये प्रोग्राम क्लास सी शार्प की है, अब हम वी बी की क्लास को इनहेरिट करेंगे प्रोग्राम क्लास में। तो फ्रेंड सी शार्प में क्लास को कैसे इनहेरिट करते हैं, कॉलन की हेल्प से। कॉलन लगाएंगे, क्लास का नेम लिखेंगे, क्लास इन वी बी। क्या किया हमने, नाउ वी विल इनहेरिट वी बी क्लास इन सी शार्प क्लास। ठीक है, हम सी शार्प की प्रोग्राम क्लास में इनहेरिट करते हैं वी बी की क्लास को, क्लास इन वी बी। तो कॉलन की हेल्प से हम इनहेरिटेंस करते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो कैसे यूज करते हैं फ्रेंड, तो अगर मैं प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो प्रोग्राम क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं क्लास इन वी बी के क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है फ्रेंड, चलिए करते हैं, प्रोग्राम ओबीजे टू इज इक्वल टू न्यू प्रोग्राम, प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब प्रोग्राम क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं कॉल करूंगा क्लास इन वी बी इस क्लास के मेथड को, देखते हैं एक्सेस होता है नहीं होता है। ओबीजे टू डॉट एड हो गया, एक्सेस दिख रहा है फ्रेंड आपको, एड हो गया, फर्स्ट नंबर 70, सेकेंड नंबर 30, रिटर्न करेंगे इंटीजर, इनहेरिट रिजल्ट, इसको प्रिंट करा देंगे। आफ्टर इनहेरिटेंस फ्रेंड लिखिए, ठीक है फ्रेंड, हमने इस कोड से प्रोग्राम क्लास में क्लास, ये वाली क्लास इनहेरिट हो रही है, तो प्रोग्राम क्लास के ऑब्जेक्ट से हमने इस क्लास के मेथड को कॉल कर लिया, जो एक सिंपल तरीका है उससे। इसको रन करते हैं फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड आपके सामने रिजल्ट है। तो वी बी के कोड को हमने सी शार्प के प्रोजेक्ट में यूज़ कर लिया है और रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है फ्रेंड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आप सी शार्प के कोड को वी बी के प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, वी बी के कोड को सी शार्प में यूज़ करते हैं, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है। इसको बोलते हैं क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन। ये किसकी वजह से हो रहा है, क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन की वजह से। हमने क्रॉस लैंग्वेज इनहेरिट भी किया है, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस लैंग्वेज इनहेरिट। सी शार्प के कोड में हमने वी बी के कोड को यूज़ कर लिया, इनहेरिट किया है। ओके फ्रेंड, तो ये एग्जाम्पल है आपके सामने। तो हमारा टॉपिक था आज का क्रॉस लैंग्वेज इनहेरिटेंस। तो हमने क्रॉस लैंग्वेज इनहेरिटेंस मतलब वी बी, हमने प्रोजेक्ट, हमने डीएलएल बनाई थी, असेंबली बनाई थी वी बी में, उसको हमने सी शार्प में यूज़ किया। तो इस क्लास को, ये जो क्लास है क्लास इन वी बी, ये वी बी में बनी हुई है, इसको मैंने सी शार्प की क्लास में इनहेरिट कर दिया, इसीलिए इस टॉपिक का नेम है क्रॉस लैंग्वेज इनहेरिटेंस। और ये पॉसिबल कैसे है, क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन की वजह से। क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन मतलब हम सी शार्प के कोड को वी बी में यूज़ करते हैं, वी बी के कोड को सी शार्प में यूज़ कर सकते हैं। और ये कैसे